वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा का शुभ योग 21 जुलाई को आ रहा है। समय शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं वह योग और गुरु की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा गुरु महाराज सद्गुरुदेव को समर्पित है। ऐसा पर्व जिस दिन गुरु का महत्व, गुरु का पूजन, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का शुभ अवसर हम सबको प्राप्त होता है। इस दिन गुरु के चरणों में वंदन करने का, गुरु के पूजन का बड़ा महत्व होता है। ऐसा महापर्व 20 एवं 21 जुलाई को मनाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। 20 जुलाई दोपहर 3:46 से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व प्रारंभ होगा और 21 जुलाई को दोपहर में 4 के आसपास यह पर्व समापन की ओर रहेगा। उदयातिथि में 21 तारीख के दिन गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है हम सबको प्राप्त होगा। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार उदयातिथि में 21 तारीख के दिन सर्वाधिक गुरु पूर्णिमा का उत्सव एवं पर्व पूजन मनाया जाएगा। इस दिन गुरु का पूजन कर गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करें, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए व्यास नारायण भगवान का भी पूजन इस दिन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र एवं प्रीति योग का ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, जिससे कि गुरु के चरणों में प्रीति, अपने इष्ट के चरणों में प्रीति हम सबको प्राप्त होगी। इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहा है, जिससे कि हम कोई भी नया कार्य करना चाहें तो वह प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होगी, उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु पूर्णिमा का अवसर एवं जो उत्सव है हम सबको हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इस दिन गुरु का पूजन कर उनको पीले पुष्प अर्पण करें। जो भी मिष्ठान है, पीला मिष्ठान या आपके मन का या गुरु के पसंद का जो मिष्ठान है उनको भोग लगावें और भोग लगाने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें, नारियल श्रीफल भेंट करें। गुरु का जो पूजन है अंधविश्वास के साथ नहीं बल्कि श्रद्धा भाव के साथ में हम सबको करना चाहिए।